फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को लेकर दिए गए जया बच्चन के एक बयान ने किस तरह की कंट्रोवर्सी खड़ी की ये तो आपको याद ही है। पूरी बच्चन फैमिली को जया के इस बयान को डिफेंड करने के लिए सामने आना पड़ा था। उस वक्त कहा गया था कि जया फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को लेकर जरा भी एम्बैरस नहीं है। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। लेकिन रिसेंटली फिल्म फेयर अवार्ड नाइट पर जब एक बार फिर जया बच्चन से अभिषेक की नॉमिनेशन को लेकर सवाल पूछा गया तो देखिए किस तरह जया जी ने रिएक्ट किया। अभिषेक नॉमिनेटेड है तो कितनी उम्मीदें हैं आज की हर अवार्ड जाएगा फिल्म फेयर। क्या फर्क पड़ता है? वेल, जया जी को अभिषेक की नॉमिनेशन कोई बड़ी बात नहीं लगती। यही वजह है कि उन्हें अभिषेक की नॉमिनेशन के बारे में कोई बात नहीं करनी। वेल, लगता है फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का शौक अभी भी जया जी को परेशान कर रहा है। यही वजह है कि वो इस फिल्म को लेकर कोई बात नहीं करना चाहती। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई।